के लिए हमने पापड़ जो है श्याम के पापड़ ये दो थाली पापड़। अब इसके नमकीन बनाने जा रहे हैं, तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो दोस्तों, तो आज हमने सेके हैं पापड़, खस्ता चावल के पापड़ हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। मसाला तैयार कर दिया और इसके लिए मसाला तैयार हो रहा है, देख सकते हैं। तो मैं ले लेती हूँ आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी, क्योंकि थोड़ा सा तो हल्दी का ज़्यादा महत्व नहीं है इसीलिए। और थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं धनिया, तो धनिया से कोई नुकसान नहीं है, फायदेमंद है। तो 1.5 चम्मच धनिया ले लेती हूँ और थोड़ा सा ले लेती हूँ हल्का सा गरम मसाला, आधा चम्मच से भी गरम मसाला तो ज़्यादा डाल, आधा चम्मच ले लेती, ठीक है, आधा चम्मच तो वो आधा चम्मच मिर्ची ले लेती हूँ। देख सकते हैं पापड़ा खस्ता है। तो 1 चम्मच ले लेते हैं हम नमक, नमक क्योंकि पहले से उनमें है इसीलिए थोड़ा सा कम ले लेते हैं। तो हमने डाल लिया पूरा ये मसाला, हमने रेडी कर लिया, अभी इसको मिक्स कर लिया, मसाला निकाला है वो, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। जो मसाले निकाले इसको ऐसे ऐसे हिला देना है जिससे कि आपस में एकदम से मिक्स हो जाए, जिससे पापड़ में कहीं अलग मिर्ची कहीं नमक ना दिखाई दे, सारा एक जैसा दिखाई दे। तो ये मिक्स हो गया, इसमें पता नहीं चल रहा है मिर्ची कहाँ है, नमक कहाँ है, हल्दी कहाँ है। हाँ सर, ये डाल ली है मैंने अभी, ये मैंने 2 थाली मैंने पापड़ सेक लिए है। अभी इस पापड़ को थोड़ा तोड़ना है मुझे, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो नमकीन में सीधा मुँह में तो जाएगा नहीं, तो इसको मुझे कुछ इस तरीके से तोड़ना है। इधर दिखाओ, नज़दीक ला कर इसे पापड़ को कुछ इस तरीके से तोड़ देना है। हम अपने अनुसार जितना बड़ा जितना छोटा लेना करना चाहें, ज़्यादा लेना करने की ज़रूरत नहीं है। ये पापड़ को कुछ इस तरीके से मैं तोड़ देती हूँ, जो मैंने तोड़ दिए बड़ा बड़ा पापड़ जितना था उसको तोड़ दिया। पापड़ को इधर भी तोड़ लेते हैं, ये तो हमने तैयार कर लिया, इसको भी तोड़ लेते हैं। ये आपको साउंड इसको सुनाऊं, कितना अच्छा साउंड लगता है इसको सुनने में, बहुत ही अच्छा, और इसको तोड़ने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो कुछ इस तरीके से इनको तोड़ देना है सभी को, इस तरीके से जितना भी बड़ा बड़ा पापड़ है उसको तोड़ देना है। आपने सभी पापड़ को कुछ इस तरीके से तोड़ दिया है, देख सकते हैं अपने पापड़ तैयार। क्या बताना, अब इसमें डाल दें मसाला वरना सीन नहीं आएंगे, क्योंकि मौसम है आजकल वैसा, क्या कहते हैं, हाँ तो
आते चिकने में रपट गए। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, पर उसी में तो गहरा है। धरती में नहीं भरा ना, तो मैं ये डाल देती हूँ। अपना सो मसाला बनाया था उसको इसमें भी डाल देती हूँ। इसको पूरे को इसमें अच्छे से मिक्स करना है। मैं इसको अभी ऐसे डाल रही थी, मैं क्या इसको डिब्बे में डालकर अच्छे से आपस में मिला दूंगी, क्योंकि ऐसे मिलाऊंगी तो मिलेगा नहीं अच्छे से। तो मैंने ये कर लिए सारे पापड़, अब मैं इसको डाल लेती हूँ डिब्बे में। ये हो गया मेरा डिब्बा, इसमें डालना है मेरे को सभी पापड़ को। तो मैं कुछ ऐसे इसको अपन कितना भी मतलब 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए स्टोर करके रखना चाहे तो रख सकते हैं इसको, क्योंकि हमने मसाले भी डाल लिए और ये पापड़ हमारे नमक के थे। तो इसमें नमक जीरा चावल का पापड़ था, तो इसमें ये मैंने डाल लिया, थोड़ा ज़्यादा भर गया इसमें, थोड़ा कम कर लेती वरना मिक्स कैसे हुआ। तो मैंने इतना ले लेती हूँ, अभी मैं इसको लगा के अच्छे से मिक्स करती हूँ। हमारी तो ये हमारा पापड़ एकदम से अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं एकदम से अच्छे से हो गया। मैं इसको भी इसमें से थोड़ा आधा निकाल लेती हूँ, इसको भी डाल देती हूँ, ये भी मिक्स हो जाएगा इससे, क्योंकि वो तो खाना ही है, इसीलिए थोड़ा मैंने आधा निकाल लिया है। अब इसको इसको भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अगर बहुत गया मेरा पापा लघु बनाने में, तो जी हो चुकी है हमारी नमकीन तैयार। अब खाने में देखते हैं कैसी लगती है एकदम से। वाह एकदम यम्मी मजेदार, मार्केट जैसा एकदम स्वाद आ रहा है। तुम भी खा कर देखो, और भी खा लेती हूँ, मेरे को बड़ी टेस्टी लग रही है। मजे ही मजे, महीने भर खाएंगे नमकीन, मजे करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।